हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे SREI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की। ये कंपनी क्या करती है, किस लिए न्यूज में है, क्या इसके हाई हैं, क्या लो हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, कितना पैसा लगाना चाहिए, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को पैसा लगाना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, सब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूज हैं इसके ऊपर उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कंपनी क्या करती है। SREI इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एसेट फाइनेंस एंड लीजिंग इंस्टीट्यूशन। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। एसेट्स फाइनेंस एंड लीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड एडवाइजरी, प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, जो भी उससे रिलेटेड कंपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी है उससे रिलेटेड ये काम करते हैं। SREI इक्विपमेंट फाइनेंस आप इसके बाद देख सकते हैं। SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इनकी जो सब्सिडरीज हैं उसके बारे में देख सकते हैं। तो एक फाइनेंस कंपनी है जो कि इक्विपमेंट्स को फाइनेंस किया जाता है, आप देख सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद आप देख सकते हैं जो प्राइस है 8.45 के आसपास ये चल रहा है, और जो प्राइस है 52 वीक हाई से 11.30 वहाँ से डाउन चल रहा है, और लो जो है 3.50 के आसपास का है। जो आज देखा आपने 1.20% के आसपास की तेजी इसके अंदर जरूर दिखाई दे रही है। और 5 डे का अगर आप देखेंगे तो शेयर ने जो हाई बनाया था 8.75 का बनाया था, और लो जो बना है 8 के आसपास का बना है। 1 मंथ का अगर देखेंगे तो 7.45 से शेयर जो है 8.45 के आसपास आया है, और जो लो था 6.30 का है। 6 मंथ का भी आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर स्टॉक ने काम किया है, 6 के आसपास का लो, और यहाँ पे देख सकते हैं 8 रुपये के आसपास का एक हाई बनाते हुए, इवन 9 रुपये का। तो फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के वो भी हम चेक करते हैं। SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड 426 करोड़ की ये कंपनी है, और डेट जो है 31,469 करोड़ का है। 7.71% जो है डेट टू इक्विटी रेशो बनता है, प्लज कोई नहीं है शेयर इनका। ROC रेशो जो है 10.6% की है, ROE जो है 2.36% है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.1 के आसपास है, यानी बुक वैल्यू से 90% जो शेयर डाउन काम कर रहा है। बुक वैल्यू देखिए 81.1 की है, और शेयर जो है 8.45 के आसपास है, तो यानी 0.1 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू है। काफ़ी अंडर वैल्यू ये शेयर दिखाई देता है यहाँ सर। डिविडेंड जो है 0 है, फेस वैल्यू 10 की है, तो रेशोज ओवरऑल सही दिखाई देते हैं। बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे शेयर काम कर रहा है। डेट एक मेजर कंसर्न है इसका, वो अगर हम देखें तो 50 डे DMA से और 200 डे DMA से दोनों से ही ऊपर शेयर काम करता हुआ आपको नजर आएगा। जैसा मैंने बताया SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करती है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है NBFI। इसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो 1543 करोड़ की जो सेल्स थी, 1162 करोड़ के आसपास की सेल्स इसके अंदर दिखाई दे रही है। OPM 70.28 के थे तो 87.64 के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो कंपनी दे रही है 1084 था तो 1018 के आसपास अभी रिसेंट के हैं। नेट प्रॉफिट जो 118 करोड़ के आसपास था वो डाउन होते हुए 4.74 के आसपास जो दिखाई दे रहा है, और एक क्वार्टर के अंदर इन्होंने लॉस भी किया हुआ है। मार्च के जो क्वार्टर था 69 करोड़ के आसपास का लॉस है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 843 करोड़ की जो सेल्स थी 2009 में, वो आपको 6100 करोड़ के आसपास की सेल्स दिखाई देगी। OPM 78% जो हुआ करते थे अभी भी उसको मेंटेन किया हुआ इन्होंने 79% को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 655 करोड़ के थे तो 4847 करोड़ के आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नजर आएंगे। नेट प्रॉफिट 82 का था तो 89 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आपको नजर आएगा। और किसी भी ईयर में आप देखेंगे प्रॉफिट कम ज़्यादा जरूर है, बट कहीं लॉस इन्होंने नहीं दिखाया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लॉस में नहीं है कंपनी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये नेगेटिव में है टोटली, और सेल्स ग्रोथ जरूर इनकी अच्छी दिखाई दे रही है कि 10 इयर्स में 20% के आसपास का कंपाउंडेड ग्रोथ है, 5 इयर्स में 13%, 3 इयर्स में 10% और TTM -14, बट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो सारा ही माइनस में है, प्रॉफिट का उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर शेयर प्राइस का देखें CAGR तो भी आप देखेंगे सभी माइनस में है। लॉन्ग टर्म में जिसने इन्वेस्ट किया होगा 10 साल में तो -17, 5 ईयर में -34, 3 ईयर्स में -57 और 1 ईयर में भी -12 का CAGR से रिटर्न देते हुए नजर आया, तो सभी माइनस में है। अगर
शेयर कैपिटल की बात करें तो 116 से बढ़कर ये 503 के आसपास है। डेट की बात करें 4282 करोड़ जो हुआ करता था 2009 में, अभी 31469 करोड़ के आसपास का जो डेट इसके ऊपर नजर आता है। एसेट्स देखें 5681 से बढ़कर 36,000 जरूर हुए हैं। रिजर्व्स की बात करें 1,000 से इंक्रीज हुआ है और 3500 के आसपास हुआ है, तो डेट एक मेजर कंसर्न जरूर है इसका। अगर रेशो की बात करें डेटर डेज की तो वो 11 डेज के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने 60.80 का जो है अपना स्टेक बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है काफ़ी टाइम से, काफ़ी क्वार्टर से 60.80 अभी भी है। FII की जो होल्डिंग थी 18.77 वो रिड्यूस होकर 1.07 है। DII की जो 5.50 थी वो भी जीरो हो गई है। FPublic की होल्डिंग जो है 38% के आसपास की इसके अंदर आपको नजर आएगी, जिसके अंदर BNP परिवास के पास 3.73 है और दो और होल्डर्स हैं इसके अंदर जो कि 5-6% के आसपास की होल्डिंग बनती है। तो जनरल पब्लिक के पास जो है 32% के आसपास की होल्डिंग्स हैं इसके अंदर। इसके बाद आप देखेंगे कि 60.8 का है और कोई भी शेयर जो है इसके अंदर प्लज नहीं किया गया है और होल्डिंग 60.8 के आसपास बनी हुई है प्रमोटर्स की। मॉडरेट रिस्क है इसके अंदर और स्मॉल कैप कंपनी है, 420 करोड़ का मार्केट कैप है और 1046 इसका रैंक है, जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के फील्ड में है, जैसे बताया इक्विपमेंट को फाइनेंस वगैरह ये करते हैं। इसके ऊपर जो न्यूज़ है RBI ऑडिट 31 दिसंबर की न्यूज़ देख सकते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्रेशर में भी और यहाँ से हो सकता है अभी मूव भी ना करे। RBI ऑडिट विल सून क्वेल ऑल अननेसेसरी स्पेकुलेशन, SRAI इंफ्रा फाइनेंस चेयरमैन हेमंत कनौरिया। आप देख सकते हैं एक ऑडिट जो RBI की तरफ से इसके ऊपर चल रही है और उसके अंदर कुछ इनके ऊपर एलिगेशंस जो थे वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे। आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से ये काम करते हैं। इसके बाद जो है जो NCLT का एक प्रोसीडिंग्स है वो भी इनके ऊपर चल रही है, बट इधर SRAI कंसोलिडेटेड बोरिंग आप देख सकते हैं, एज ऑफ नाउ SRAI हैज ए कंसोलिडेटेड डेट ऑफ अराउंड 20,000 करोड़ फ्रॉम इंडियन बैंक्स एंड अराउंड 10,000 करोड़ थ्रू बॉन्ड्स एंड फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन लास्ट 31 ईयर्स द कंपनी हैज पेड मोर देन 30,000 करोड़ इंटरेस्ट टू बैंक्स एंड अराउंड 20,000 करोड़ एज प्रिंसिपल ऑलवेज ऑन टाइम। टाइम पे दिया है बट डेट जैसे बताया गया है वो काफ़ी ह्यूज डेट है इनके ऊपर 30,000 करोड़ के आसपास का, जो इंडियन बैंक्स के 20,000 और बाकियों से 10,000 का है। और एक RBI की तरफ से एक फ्रेंसिक ऑडिट जरूर चल रही है इनके ऊपर, वो देखना होगा कैसे उसके रिजल्ट सामने आते हैं और क्या स्टॉक के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। इसके बाद आप देखिए एक्सिस बैंक रिफ्यूजी रिपोर्ट्स ऑफ 44,000 करोड़ लोन टू SRAI ग्रुप एज बेसलेस, ये भी 15 दिसंबर के आसपास की एक न्यूज़ है, जिसके अंदर एक्सिस बैंक ने डिनाई किया है कि उन्होंने 44,000 करोड़ का जो लोन है SRAI ग्रुप को दिया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ जो है उनकी बुक्स के ऊपर 411 करोड़ के आसपास का लोन है SRAI एंटिटीज के ऊपर और SRAI ग्रुप के ऊपर जो है 800 करोड़ का ग्रुप है एक्सिस बैंक की तरफ से, तो 44,000 का जो लोन दिया गया है वो बेसलेस बताया गया था। इसके बाद जो बताया जा रहा है कि SRAI जो है इक्विपमेंट फाइनेंसिंग सेड द कंपनी विल फोकस ऑन इक्विपमेंट फाइनेंसिंग एंड एग्जिट स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ये एग्जिट करेंगे अपने बिजनेस को, स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंस करते हैं वहां से एग्जिट करेंगे और सिर्फ इक्विपमेंट फाइनेंसिंग के ऊपर ही आगे आने वाले टाइम में फोकस करते हुए नजर आएंगे। अगर चार्ट के ऊपर हम देखें तो शेयर जो है एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। आप देखिए कोविड टाइम से पहले ये एक डाउन ट्रेंड में ही है 2018 से, आप देख सकते हैं 2018 में जो शेयर था 136-137 रुपये के ऊपर ये काम किया करता था। उसके बाद जो मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शंस हुई है SEBI के रूलिंग्स के बाद, जो म्यूचुअल फंड्स में जो रिशफलिंग हुई थी वहाँ सभी स्मॉल कैप और मिड कैप सभी शेयर ही टूटे थे और ये शेयर भी काफ़ी टूटता हुआ वहाँ पर नजर आया। तो उसके बाद जो न्यूज़ आई है उसके बाद ये और भी ज़्यादा जो डेट की न्यूज़ थी टूटता हुआ नजर आया और ये स्टॉक जो है बिल्कुल ही यहाँ पर आकर स्टेबल हुआ था, ये ऑलमोस्ट 7-8 रुपये के आसपास और यहाँ से रिकवर होता हुआ 11-12 रुपये तक गया था, फिर कोविड की वजह से ये अगेन नीचे आया और 3.5 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया, 3.6-3.7 के आसपास का। वहाँ से स्टॉक फिर रिकवर हुआ है, 8.65 के आसपास गया है, वहाँ से फिर रिकवर होता हुआ। तो जो बेस बनता है अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है तो 600 रुपये के आसपास ऐसा लगाया जा सकता है, 6.25 के आसपास, और जो हायर रेंज बनती है एक रेजिस्टेंस जो बनता है वो 11-11.5 रुपये के आसपास का बनता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका। और उसको ये शायद अभी रिसेंट की जो न्यूज़ है इनकी NCLT की या RBI की ऑडिट की का जो चल रहा है अभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो एक नैरो रेंज में हो सकता है काम करे। कोई भी डाउनसाइड इसके अंदर आती है 6-6.25 रुपये के आसपास ये शेयर आता है, तो यहाँ पर
छोटा छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा लगाना है, एक पेनी स्टॉक की तरह ही इसके अंदर पैसा लगाना है। तो 625 रुपये के आसपास ये अगर स्टॉक आता है, कंसोलिडेट करता है, या कोई भी बैड न्यूज आती है या करेक्शन होती है, तो 625 रुपये के आसपास इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि डाउनसाइड वहाँ से काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी और अपसाइड आपको ये स्टॉक यहाँ से डबल होता हुआ भी नज़र आएगा। अगर कुछ NCLT की न्यूज़ अच्छी आती है, या RBI की तरफ से जो ऑडिट है उसमें कोई न्यूज़ अच्छी निकल कर आती है, या रिजल्ट्स आने वाले टाइम में अच्छे देते हैं, या डेट को उतारते हुए नज़र आते हैं, किसी भी टाइप की कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो ये शेयर आपको यहाँ से आने वाले टाइम में डबल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि डाउन साइड 625 रुपये से काफ़ी कम हो जाएगी। इस तो प्राइस के ऊपर अगर आप लेते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जरूर खड़ा हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस जोन इमीडिएट का जो है 9 रुपये 80 पैसे के आसपास का बनता है। तो यहाँ से जो है स्टॉक करेक्ट हो सकता है, तो रिस्क इसके अंदर इस टाइम है, तो आपको सिर्फ डाउन लेवल पर ही लेना है, 625 के आसपास ही लेना है, अकोमुलेट करना है, ताकि रिस्क कम हो और रिवार्ड ज़्यादा हो। तो पेशेंस के साथ ही इसके अंदर अकोमुलेशन करना, जल्दबाजी में कोई भी इसके अंदर डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, कितना आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाना है और डाउन पे ही लेना है, ताकि रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बन सके। थैंक यू, धन्यवाद।